तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखो। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है और ये बहुत फेमस है, खास करके जेईई एस्पिरेंट जो जेईई की तैयारी करते हैं। यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास एम, ये जो है वो बच्चों रिंग है जो कि यूनिफॉर्म है और इसके पास मास स्मॉल एम है। और यहाँ पर कहता है कि एस्पियर है, ये जो एस्पियर है वो कैपिटल एम है, इसका मास कैपिटल एम है, और ये यहाँ से जो सेंट्रल डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है ना। अब इक्वल रेडियस, इसकी भी रेडियस कितनी है भाई, इसकी भी रेडियस ए है और इसकी भी रेडियस ए ही है, ठीक है। तो और खास करके सेंटर ऑफ द रिंग एट डिस्टेंस 3 है फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्पीयर, और ये जो डिस्टेंस है वो है √3 टाइम्स ए, मतलब सेंटर ऑफ रिंग से ये वाला डिस्टेंस और सेंटर ऑफ स्पीयर तक जाओगे, ये वाला जो सेंट्रल डिस्टेंस है वो √3 ए है बच्चों। तो कहता है फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द रिंग एंड स्पीयर, मतलब इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है उस अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी उसको मुझे निकालना है। देखो तो बेसिकली देयर आर टू मेथड है, दो मेथड है इसको करने का। एक है, हाँ एक है मेथड डायरेक्ट, फर्स्ट रिंग का फार्मूला यूज कर दो, रिंग का फार्मूला यूज कर दो ग्रेविटेशनल फील्ड का। और दूसरा जो मेथड है वो है कैलकुलस। तो आप दोनों से भी कर सकते हो, पहले मेथड से मैं बताता हूँ तो जो आपको अच्छा लगे, अच्छे दोनों हैं मेरे हिसाब से, जो आपको अच्छा लगे उससे आप करना। तो फर्स्ट मेथड में मैं मान लेता हूँ, फर्स्ट मेथड में मैं मान लेता हूँ कि ये पूरा का पूरा मान लेता, नहीं ये पूरा का पूरा जो एस्पियर है उसका पूरा मास इस सेंटर पे आ जाएगा कैपिटल एम, और ये जो रिंग है रिंग के एक्सिस, ये जो है वो रिंग की एक्सिस है, तो रिंग के एक्सिस पर एक छोटा सा पॉइंट मास रखा हुआ है और वो कितना फोर्स फील करेगा। तो हम सबको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू होती है, ग्रेविटेशनल मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट, एक बहुत ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फार्मूला, इसको आप सब लोग याद कर लो। किसी भी पॉइंट पर अगर फील्ड की वैल्यू से और उस पॉइंट पर रखे हुए मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस पार्टिकल पर लगने वाले जो फोर्स की वैल्यू है वो पता चल जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई रिंग है, लेट अस सपोज इट इज़ ए रिंग, और ये रिंग है, इस रिंग के एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, तो ये रिंग का मास इस मा एम हो और रिंग की रेडियस अगर आर हो, तो इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की जो फार्मूला होती है वो जी मास ऑफ द रिंग डिस्टेंस एक्स, और ये आ जाएगा √r² + x² की पावर 3/2, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट पर कोई मास स्मॉल एम है तो उस पे जो फोर्स लगेगा, तो स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाई इस फील्ड की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स आ जाएगा। तो पहला लॉजिक ये हुआ। तो चलो इसको अब मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट कर दूँ तो ये पूरा का पूरा जो फार्मूला है, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा रिंग है, तो रिंग ऐसे है और ये इस रिंग के, हाँ इस रिंग के एक्सिस, दिस इज द रिंग, और इस रिंग के एक्सिस पर यहाँ पर एक पॉइंट मास कैपिटल एम रखा हुआ है और एक्स की वैल्यू, यहाँ डिस्टेंस √3 ए है, और रिंग की यहाँ से रिंग की जो ये जो रिंग है, इस रिंग का जो रेडियस है वो ऑब्वियसली ए है, ये जो डिस्टेंस है वो ए है, तो ए है, तो इस पे जो फोर्स की वैल्यू आएगी, डायरेक्ट फार्मूला पे वैल्यू रख दो और कैलकुलेट, तो फोर्स की वैल्यू मास मास ऑफ द स्पीयर और मल्टीप्लाइड बाई फील्ड की वैल्यू, तो फील्ड कितना है जी मास ऑफ द रिंग स्मॉल एम और डिस्टेंस एक्स √3 ए का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई रेडियस ए है और √3 ए का होल स्क्वायर और इस सब पे पावर 3/2 है। तो जब फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो यही बच्चों हमारा सोलूशन होगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो देखो कितना आता है, तो आ जाएगा √3 g(m)m और मल्टीप्लाई कर दूँ ए से, और फाइनली अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये कितना बनेगा भाई, ये बनेगा a² और ये आ जाएगा 3a² और सबकी पावर है वो 3/2 है। तो फाइनली √3 g(m)m और डिवाइड कर दूँ तो यह आ जाएगा 4a² और ये सब पावर 3, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो फाइनली इसको अगर मैं और अच्छे से सॉल्व करूँ और लिखूँ
तो ये बनेगा रूट थ्री टाइम्स जी एम और स्मॉल एम ए, और ए आ जाएगा 4a² बाहर आ जाएगा, और 4a² रूट के अंदर मतलब 2a बनेगा। तो एक ए ने ए को ख़त्म कर दिया, तो फाइनली जो सोल्यूशन आ जाएगा दैट इज रूट थ्री टाइम्स जी कैपिटल एम स्मॉल एम और मल्टीप्लाई कर दूँ 8a². दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ये इसका फाइनल आंसर है, सोल्यूशन है। तो ये फर्स्ट मेथड है। तो लॉजिक क्या होता है भाई, बहुत आसान है, बहुत बेहतर तरीके से मैं आपको समझाया हूँ, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो दूसरा मेथड है इसका, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सेकेंड मेथड है वो ये है। हाँ, सेकेंड मेथड मैं बता देता हूँ आपको। सेकेंड मेथड अप्रोच जो है वो है कैलकुलस। तो चलो ये जो रिंग है, ये एक रिंग है, और ये रिंग यहाँ से ऐसे कुछ रिंग रखा हुआ है। दिस इज़ द बेसिकली द नथिंग बट इट इज़ द रिंग। और ये रिंग यहाँ से इस स्पीयर से, यहाँ एक स्पीयर है, तो ये स्पीयर, तो अभी भी इसका पूरा मास यहाँ इसके सेंटर पर कैपिटल एम कॉन्सनट्रेटेड है, और इसका रेडियस ए है, और ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ बेसिकली ए, और ये √3a। तो मैं इस लॉजिक में क्या करूँगा, एक छोटा सा रिंग का एलिमेंट लूँगा ये, जिसके पास मास डीएम है, और इस डीएम और इस पॉइंट मास, ये जो पॉइंट मास है ये डीएम भी क्या है, ये पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा, और ये पूरा का पूरा मास या पॉइंट आ ही गया, तो इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स निकाल लूँगा, और फिर इस अट्रैक्शन फोर्स की जो रिंग पे लगेगी उसकी डायरेक्शन इधर होगी, और उसको मैं डीएफ बोल देता हूँ, और ये एंगल कुछ थीटा मान लेता हूँ। तो अगर ये डिस्टेंस ए है और ये पूरा डिस्टेंस कितना है, √3a है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये जाएगा √3a का स्क्वायर और प्लस ए का स्क्वायर और सब कुछ अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 4a का स्क्वायर अंडर रूट दैट इज 2a। तो इस डीएफ का दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर, ठीक है, जो होगा डीएफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट जो है वो वर्टिकल में आ जाएगा जो होगा डीएफ साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पर भी, सिमेट्रिकली यहाँ पर भी एलिमेंट है, तो यहाँ पर एलिमेंट है, तो ये भी यहाँ पर इनके बीच अट्रैक्शन एक फोर्स होगा, और उस फोर्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी डीएफ इधर आ जाएगी, और ये थीटा है, तो डीएफ का एक कंपोनेंट अगेन सेंटर की तरफ जाएगा डीएफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट वर्टिकल आएगा जो होगा डीएफ साइन थीटा। तो इसी तरह से कोई भी अगर एलिमेंट लोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी कोई एलिमेंट लोगे, तो यहाँ पर भी कोई एलिमेंट लोगे, तो एक वर्टिकल में आएगा और एक सेंटर की तरफ आएगा। तो जो हॉरिजेंटल प्लेन, हाँ जो हॉरिजेंटल प्लेन, ये जो रिंग है, तो रिंग के हॉरिजेंटल प्लेन, इस प्लेन में जो फोर्स आएंगे वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हर एलिमेंट पे जो फोर्स आ रहे हैं वो वर्टिकली जो डीएफ, हाँ ये जो डीएफ साइन थीटा वाले कंपोनेंट है, ये जो डीएफ साइन थीटा वाले कंपोनेंट है, यही नेट फोर्स होंगे, इंटीग्रेट हो जाएंगे। तो जो नेट फोर्स आ जाएगा, नेट फोर्स बिटवीन द स्पीयर रिंग, वो इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ साइन थीटा, सिंपल सी बात है यार। अब डीएफ क्या था, डीएफ जो है स्मॉल फोर्स था किसके किसके बीच का, डिफरेंशियल एलिमेंट और इसके बीच, तो यह जाएगा जी कैपिटल एम डी एम, और यह जाएगा डिस्टेंस 2a का होल स्क्वायर, मतलब यह जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और यह जाएगा 4a², और यहाँ से साइन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा देखो, साइन थीटा पी बाई ए, √3a अपान भाई 2a, तो 2a ने को कर दिया, तो √3 अपान 2a, दिस इज द साइन थीटा और दिस इज द डीएम। तो जो नेट फोर्स बचा, इन दोनों की वैल्यू रख दिया जाए, तो डीएफ की वैल्यू आ जाएगी जी, ये बच्चों डीएम है, तो जी कैपिटल एम और डीएम, और डीएफ की वैल्यू रखोगे 4a², साइन थीटा की वैल्यू √3 अपॉन ए रखोगे 2a। तो फाइनली जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, जी √3 टाइम्स और 8a² और इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो डीएम का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, टोटल मास, तो √3 जी एम और स्मॉल एम मास ऑफ द रिंग और 8a², दिस इज अगेन द फाइनल सोल्यूशन। तो आप दोनों मेथड से इसको कर सकते हो एज यू लाइक एज यू विश। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा पढ़ के, तो एक अच्छा सा मैं फील देने की कोशिश किया हूँ।
अपना बहुत ख्याल रखो, मोटिवेटेड रहो प्यारे बच्चों। थैंक यू।